लोकसभा चुनाव हारने के बाद पहली बार गुना पहुंचे पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से रूबरू हुए। सिंधिया ने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी खुद की मेहनत में कमी थी, इसीलिए वो चुनाव हारे। इस पर सिंधिया के सामने बैठी महिला कार्यकर्ता फूट फूट कर रोने लगी। सिंधिया ने बेहद थके हुए अंदाज में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने मंच पर पहुंचकर खुद अपने हाथ से तकिया उठाया और कार्यकर्ताओं के सामने जाकर बैठ गए। चर्चा के दौरान ज्योतिरादित्य का लोकसभा चुनाव में हार का दर्द छलक गया। सिंधिया ने कहा वो हार की समीक्षा करने के लिए गुना पहुंचे हैं और समीक्षा करने के बाद जल्द ही संगठन को भी दुरुस्त करेंगे। सिंधिया ने खुद को पार्टी का सिपाही बताते हुए कहा कि वो एक सच्चे सिपाही की तरह अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हार की समीक्षा के लिए सिंधिया ने बंद कमरे में पदाधिकारियों से चर्चा की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी और श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बंद कमरे के बाहर पहरा देते रहे। इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि और आपके द्वारा गुना की जनता को संदेश भी देना चाहता हूं कि मैं आपका था, मैं आपका हूं और जिंदगी की आखिरी सांस तक। और दूसरा है मतदाता, तो जो जनादेश हमें मिला है उस जनादेश को सर माथे लगाना केवल भाषण में नहीं लेकिन जिंदगी में हम सबका दायित्व बनता है और खास करके मेरा दायित्व बनता है। कहीं ना कहीं आप लोगों का नेतृत्व करने में भी शायद मेरे द्वारा कई कमियां रही कि इस बार आप लोगों की मेहनत और मशक्कत में रंग मैं नहीं ला पाया और जनता का विश्वास मैं दोबारा जीत नहीं पाया। पर मैं सिपाही हूं और सिपाही का दायित्व तो होता है कि अंतिम सांस तक अपने पथ पे चलते। आप लोगों से मिलकर विश्लेषण करके उन कारणों के पीछे हम कोशिश करेंगे अपने आप को भी दुरुस्त करने, हमारे संगठन को भी दुरुस्त करने और जो भी कमियां स्वतः मुझ में हैं उन कमियों को भी दूर करने की कोशिश मैं करूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी के डॉक्टर केपी यादव ने 125,000 वोटों से हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी थी। सिंधिया चुनाव से पहले अपने लोकसभा क्षेत्र गुना शिवपुरी में कार्यकर्ताओं से बड़े जोश के साथ मिले थे, लेकिन हार के बाद वो काफी हताश नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सिंधिया को पार्टी अगर संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देती है तो वो कैसे हार से निराश कार्यकर्ताओं में जोश भर पाते हैं। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।